हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे छत पे जो कोड़ा रोपाया था। तो दोस्तों, मेरे कोड़ा दो फल गया था आज, तो आज तोड़ाया है तो एक कोड़ा बट भी गया। और जो बच्चा है ये देखिए, दो कोड़ा था मेरे छत पे तो एक यहाँ रहा। देखिए कितना बड़ा है, ये और बड़ा होता, लेकिन क्या है कि कुछ प्रॉब्लम था। जैसे कि ना, मेरे छत पे बहुत सारा बंदर आते हैं, तो बंदर क्या है कि बचने नहीं दे रहा है, एक भी बच नहीं रहा है। इसके कारण इतना ही बड़ा तोड़ लिए लो दो कोड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको कि और एक कहाँ है और कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए दूसरा कोड़ा ये रहा, तो बस इतना बचा था तो मैं ये बना रही हूँ, और बाकी जो था वो बट गया, बताई थी। तो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियो पे, आप बने रहिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ इसको, भुजिया बनाऊँगी, तो देख सकते हैं। और क्या है ना, पका नहीं था, देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। वो वजह है जो बताई हूँ, वो बंदर, इसके कारण जल्दी तोड़ा गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए, आगे का दिखाते रहते हैं आपको, बने रहिए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं गैस को चालू कर दी हूँ और इसमें अब तेल डालती हूँ। यह हमारा तेल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है हमारा। तो हम क्या करते हैं, ये डालते हैं मिर्च। ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि कोहरा जो है मिठाई थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिठाई बनाऊंगी थोड़ा। गैस को तेज कर देती हूँ। हम बना रहे हैं इसको भुजिया फ्रेंड्स, भुजिया बना रहे हैं कोहरा का, कोहरा और कद्दू भी बोलते हैं इसको। मैं तो भाई बिहार से हूँ, बिहारी एकदम बोलती हूँ, कोहरा बोला जाता है मेरे गांव में इसको, कोहरा। तो भुजिया मुझे बहुत पसंद आता है, कोहरा का भुजिया मज़ा आता है एकदम, चावल के साथ तो और मज़ा आता है। अभी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लाल कर देते हैं, उसके बाद कोहरा को अपना डाल लेते हैं। अब मैं और रोटी भी बनाऊंगी, शाम हो रही है। अब हम इसमें अपना ये डालते हैं सब्जी, कोहरा मिला लेते हैं। बने रहिए फ्रेंड्स, दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अब हम रख के पकाते हैं थोड़ा। और ये फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आटा गूंदने, आटा गूंद लेती हूँ तब तक, और मैं रोटी भी बनाऊंगी, तो आप बने रहिए तब तक के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको चला देते हैं एक बार। इसमें हम क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं ताकि पानी छोड़ दिए गले, और हल्दी नमक दोनों डाल देते हैं अभी ही। एक दिया नमक इसमें, अब हम इसमें हल्दी डालते हैं। ये ना कच्चा है फ्रेंड्स, पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं,
बनकर कैसा रेडी होता है देखते हैं और दिखाते हैं आप सबको। इसको डाल दिए हैं नमक हल्दी। अब ये पानी देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। बने रहिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं कितना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम गलाएंगे, जैसे कि सिझाएंगे, इसको पकाएंगे। अब क्या है कि थोड़ा सा मध्यम कर देंगे ताकि अच्छे से गले, अच्छे से पक जाए। इसको ढक देंगे तो मध्यम आंच पे इसको पका लेंगे। उसके बाद बताते रहते हैं, बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसको तेज करके अपना ये सब जो पानी है सुखा लेंगे और अच्छा से मेंटेनेंस कर लेंगे, देख लेंगे। देखिए कितना अच्छा गल चुका है, मतलब यानी सीज चुका है, पक चुका है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, दिखाते रहते हैं आपको टेस्टी यम्मी यम्मी सब्जी। आशा करती हूँ आपको भी सब्जी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कोहड़ा बहुत लोगों को पसंद आता है और बहुत लोगों के नहीं भी आता है। तो आशा करते हैं कि शायद आपको अच्छा लगे, पसंद आए, ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये कोहड़ा का सब्जी भुजिया बहुत पसंद आता है। सब्जी तो मैं मसाला वाला उतना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है मानिए तो, लेकिन ये जो भुजिया है अच्छा लगता है बहुत। तो इसको हम सुखा लेंगे क्योंकि हमारा सब्जी पूरा सींच गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए। और मैं क्या है कि देखिए रोटी बना ली अभी अभी बनाकर, उसके बाद देख सकते हैं हाथ में लगा हुआ है, अब जा रहे हैं हाथ धोने। तो बन चुका है, बने रहिए। रेडी हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं मुझे कैसा चाहिए कैसा नहीं, बने रहिए। खाना बन भी चुका है, देखिए फ्रेंड्स भी लगा। ये हमारा तो भुजिया अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो किनको किनको चाहिए, किनको किनको देखने में अच्छा लग रहा है कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स रेडी हो चुका है हमारा भुजिया, मुझे ऐसा ही चाहिए और पूरा एकदम तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स।